दोस्तों जय माँ लक्ष्मी, जय माँ भवानी। दोस्तों एक बार सच्चे दिल से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों एक बार फिर से सिंह राशि जो है करोड़पति बनने वाला है। अब दोस्तों मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों राशि गोचर का खेल होता है। अगर राशि गोचर आपका अच्छा है तो आपको जो है लाखों रुपए का एक दिन में फायदा हो सकता है। दोस्तों राशि गोचर ये कह रहे हैं, मैं नक्षत्र के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपके नक्षत्र अच्छे हैं तो आपको एक दिन में लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। अगर आपको यहीं पर जो है राशि कुल के अगर नक्षत्र आपके गड़बड़ हैं तो आपको जो है करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो सकता है, वो भी एक मिनट में और एक दिन में। अब दोस्तों राशि गोचर की बात चल रही है तो दोस्तों आज की जो राशि है सिंह राशि, सिंह राशि की जो है बहुत ही अच्छा और सौभाग्य वाला दिन है आज का। अगर कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आज के दिन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी अच्छा काम में जो है हाथ बढ़ाना है तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि राशि यानी कि सिंह राशि के लिए बहुत बड़ा और सौभाग्य वाला दिन है, जो कि आज बहुत ही अच्छे से व्यतीत हो सकता है। अगर आप जो है इस दिन कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आज की जो राशि यानी कि पुराने छोटे से छोटे काम आपके बन सकते हैं, और जितना भी पुराना काम हो और बिगड़ा हुआ काम आज के दिन बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सिंह राशि यानी कि आज के दिन, दोस्तों सिंह राशि के लिए आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि किसी न किसी दिन किसी न किसी व्यक्ति और किसी न किसी राशि का जो दिन बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। जैसे कि दोस्तों आज का दिन जो है सिंह राशि के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, और आज के दिन अगर सिंह राशि वाले कोई भी काम करेंगे तो उनमें जो है उनको बहुत सारा लाभ हो सकता है। पुरानों सालों से बिगड़ा हुआ काम आज के दिन बन सकता है, सालों साल पुराना हो बिगड़ा हुआ काम आज के दिन बन सकता है। अगर आपके बैलेंस की बात करूं यानी कि पैसे के बारे में बात करूं तो आज आपको पैसा भी मिल सकता है। करोड़ों से का पास किया हुआ लोन आपको आज वापस मिल सकता है, और बैंक में आज आपको लोन भी मिल सकता है, और पैसे से रिलेटेड आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं रहेगा और भर सकता है। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप जो है इस दिन पुराना सा पुराना काम करते हैं और अपने पार्टनर यानी कि अपने गर्लफ्रेंड को मनाना चाहते हैं और उसे गिफ्ट देना चाहते हैं तो आज के दिन आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। और आज के दिन अगर आप गिफ्ट देंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड जो है मान सकती है और आपके प्यार में पागल हो सकती है, क्योंकि दोस्तों सिंह राशि के लिए आज का दिन जो है बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। और आज के दिन जो है सौभाग्यशाली का जो ये दिन है सिंह राशियों के लिए ही मात्र है, क्योंकि सिंह राशि के लिए दोस्तों आपको भी पता ही है जो राशि गोचर चलता है और नक्षत्र चलता है, ये सब जो होता है राशि गोचर यानी कि नक्षत्र के कारण। अगर आपका कोई काम अच्छे से हो रहा वो होता है राशि गोचर से यानी कि नक्षत्र के कारण। अगर आपका नक्षत्र अच्छा है तो आपका बिगड़ा हुआ काम बन सकता है, अगर आपका नक्षत्र अच्छा नहीं है तो आप चाहे जितना लाखों प्रयास कर लें और आपका काम बन नहीं सकता। तो दोस्तों ये होता है राशि गोचर यानी कि नक्षत्र के कारण। अगर आपका जो है नक्षत्र अच्छा है तो बिगड़ा काम बन सकता है, अगर आपका राशि यानी कि नक्षत्र गड़बड़ है तो आपका जो है बना बनाया काम बिगड़ सकता है। तो दोस्तों इसी तरह आज का राशि यानी कि सिंह राशि के लिए बहुत ही लाभदायक है और करोड़ों रुपए आज के दिन मिल सकता है। दोस्तों ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आज की तरह अभी कभी तक ऐसा दिन नहीं आया सिंह राशि के लिए, क्योंकि दोस्तों आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज के दिन जो है हम बात करेंगे आज के सिंह राशि के दैनिक क्रसाल के बारे में, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार का है, और अगहन मास के कृष्ण पक्ष और द्वादशी तिथि और नक्षत्र के बारे में, और आज भी रहेगा ज्ञान। चित्रा अभिजीत मुहर्रम ताज और दोपहर 11 बजे से 36 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजे के 38 मिनट तक रहेगा, और सूर्य उदय होगा सुबह 6 बजे से 24 मिनट पर, और चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी वो सुबह 10 बजकर 38 मिनट तक रहेगी, और नैमिष के बाद तला राशि यानी कि तुला राशि में जो है प्रवेश कर जाएगा। और आज का जो शुभ समय होगा वो होगा तकरीबन होना है शाम के 5:32 यानी कि 32 मिनट से लेकर रात्रि 6:43 मिनट तक रहेगा। इस अशुभ समय कोई भी शुभ काम ना करें ताकि और शुरुआत ना करें और शुभ काम का कोई भी शुरुआत ना करें। दोस्तों सिंह राशि को छोड़कर अन्य कोई भी राशि जो है कल के दिन शुभ काम नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार का जो है नक्षत्र अगहन मास कृष्ण और पक्ष द्वादशी तिथि का जो नक्षत्र है आपके ऊपर जो है मंडराता रहेगा, इसलिए अगर कोई शुभ काम करेंगे तो उसमें बाधा लग सकती है। इसलिए कोई शुभ काम आप लोग ना करें कल के दिन केवल, और जो है शुभ काम में हाथ ना बढ़ाएं कल के दिन तक, और परसों आपसे फिर से
कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतनी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, जय माता दी, जय शेरावाली माँ, जय।